जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विक्की स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूं, ये माता गिरजा देवी मंदिर है और ये उत्तराखंड के रामनगर में स्थित है। दोस्तों ये माता पार्वती को समर्पित है और इस मंदिर की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्त तो आते ही आते हैं और भक्तों के साथ साथ रात को माँ के दर्शन करने के लिए शेर भी आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों का भी कहना और यहाँ के जो आसपास में रहते हैं सभी का यही कहना है। दोस्तों इस मंदिर तक कैसे पहुंचना है, किस जरिए से पहुंचना है, कितने बजट में, कितने बजट हाई में, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो आइए करते हैं माता गिरजा देवी की यात्रा शुरू। जय माता दी। दोस्तों भारत में कहीं से भी माता गिरजा देवी मंदिर तक ट्रेन से आने के लिए आपको उत्तराखंड के रामनगर रेलवे स्टेशन के लिए अपने टिकट बुक कराने होंगे। रामनगर से माता गिरजा देवी मंदिर की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है और स्टेशन के बाहर से ही आपको शेयरिंग ऑटो और टैक्सी जैसे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत ही सही पैसों में माता गिरजा देवी मंदिर तक ड्रॉप कर देंगे। दोस्तों रामनगर रेलवे स्टेशन से माता गिरजा देवी मंदिर तक का ऑटो का किराया 40 रुपए प्रति सवारी है और अगर आपका बजट ठीक है तो आप टैक्सी बुक करके भी माता गिरजा देवी मंदिर तक आराम से आ सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 से 1000 रुपए तक पे करने होंगे। और यदि किसी कारण आपको ट्रेन या ट्रेन की टिकट नहीं मिलती है तो आप रामनगर रोडवेज बस स्टैंड तक बस से आ सकते हैं। रामनगर बस स्टैंड से माता गिरजा देवी मंदिर की दूरी मात्र 13 किलोमीटर है। दोस्तों मैं रामनगर रोडवेज बस स्टैंड आ चुका हूँ और मैं यहीं से माता गिरजा देवी की यात्रा शुरू करूंगा, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में क्योंकि आपको भी आज मेरे साथ साथ माता गिरजा देवी के दर्शन प्राप्त होंगे। तो दोस्तों चलते हैं माता गिरजा देवी की यात्रा के लिए। दोस्तों रामनगर रोडवेज बस स्टैंड से आप जैसे ही 100 मीटर की दूरी आगे पार करेंगे तो दोस्तों आपको एक चौराहा नजर आएगा, उसके ठीक सामने ही आपको एक ये जो चौराहा है ये सीधा रास्ता माँ गिरजा देवी मंदिर को जाता है और आप इधर से राइट लेंगे तो ये हनुमान धाम को जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं माता गिरजा देवी मंदिर की ओर। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर के जंगल के रोड पर एंटर करेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जिस भी वाहन से आ रहे हैं उसको हल्की गति से चलाएं क्योंकि इस रोड पर कोई भी जंगली जानवर अचानक से आ जाता है। दोस्तों गिरजा देवी दर्शन करने के बाद यदि आपको यहां नाइट स्टे करना है तो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित काफी सारे अच्छे होटल हैं जिनमें आप आराम से रुक सकते हैं, लेकिन बजट में रुकने के लिए आपको रामनगर ही जाना होगा। दोस्तों हम आ गए हैं माता गिरजा देवी मंदिर के बहुत ही करीब और आप सामने देख रहे हैं माता गिरजा देवी का बोर्ड भी लगा है और दोस्तों हम इसी दोराहे से माता गिरजा देवी के लिए राइट लेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने माता गिरजा देवी मंदिर का द्वार दिख रहा है। तो आइए दोस्तों चलते हैं माता गिरजा देवी मंदिर की ओर। दोस्तों
दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर के मार्ग से अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो आपको सामने ये दो रास्ते नजर आएंगे, जो कि इस रास्ते पर आप अपना कोई भी छोटा बड़ा वाहन पार्क कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये रास्ता सीधा माता गिरजा देवी मंदिर की ओर जाता है, और यहीं से आप वो प्रसाद भी ले सकते हैं जो कि मंदिर में माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं प्रसाद लेने के लिए और जानते हैं कि यहाँ पर माता रानी को चढ़ावे में क्या क्या चढ़ाया जाता है। हाँ भैया, बताइए यहाँ पर माता रानी को क्या क्या चढ़ता है चढ़ावे में? चढ़ावे में वैसे आप नारियल वाला प्रसाद चढ़ता है, श्रृंगार वगैरह, धूप प्रसादी, चिमनी वगैरह, तो सारा सामान। तो आइए दोस्तों, चलते हैं प्रसाद लेकर माता गिरजा देवी के दर्शन के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा, मैं सामने मंदिर के द्वार पर आ चुका हूँ। आप सभी देख रहे होंगे, अभी मैंने पीछे से प्रसाद भी लिया था। दोस्तों, ये है माता गिरजा देवी भंडारा स्थल। दोस्तों, जो भी भक्त माता गिरजा देवी के दर्शन के लिए आते हैं, वो यहाँ पर आकर भंडारे का प्रसाद जरूर ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ये देखिए माता गिरजा देवी के दर्शन के लिए भक्तों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसा लगता है आज मुझे भी माता गिरजा देवी के दर्शन देर से ही होंगे। दोस्तों, ये है माता गिरजा देवी मंदिर, और मंदिर के ठीक नीचे ही, जैसा आप देख रहे हैं, ये भगवान शिव की प्राचीन गुफा है। और इसी गुफा में बाबा भैरवनाथ का भी मंदिर है। लेकिन दोस्तों, बाबा भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर वो है जो आप सामने देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं माता गिरजा देवी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगने। और आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी लग रही है, देखो आप सामने पीछे देख सकते हैं। और अभी भी मैं लाइन में हूँ, फिलहाल तो नंबर आने वाला है। तो आइए, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आखिर 90 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुझे भगवान शिव की अर्धांगिनी माता गिरजा देवी के दर्शन प्राप्त हो ही गए। दोस्तों, अब हम यहां से जाएंगे बाबा भैरवनाथ मंदिर, क्योंकि बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए बिना माता गिरजा देवी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं बाबा भैरवनाथ मंदिर, लेकिन जब तक हम जानेंगे माता गिरजा देवी का प्राचीन रहस्य। दोस्तों, देवताओं की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड में बहती हुई कोसी नदी के बीचों बीच स्थित माता गिरजा देवी मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, जिसके दर्शन करने के लिए लोग रोजाना हजारों की संख्या में आते हैं। दोस्तों, माता गिरजा देवी भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती का ही एक रूप है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से इन्हें माता गिरजा देवी के नाम से जाना जाता है। माता इस स्थान पर बाबा भैरवनाथ के कहने पर विराजमान हुई थी। दोस्तों, जिस टीले पर माता का मंदिर बना हुआ है, यह टीला हजारों साल पहले हिमालय पर्वत से टूटकर बहता हुआ यहां आया था। तब मंदिर को टीले के साथ बहता देख बाबा भैरवनाथ ने माता से यहीं रुकने के लिए प्रार्थना की थी। बाबा भैरवनाथ का निवेदन स्वीकार कर माता इस टीले पर तब से लेके आज तक बाबा भैरवनाथ के साथ यहां निवास कर रही हैं और अपने सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर रही हैं। दोस्तों, सदियों से नदी के प्रचंड प्रकोप को सहता हुआ यह पवित्र टीला अपने सिर पर माता गिरजा देवी को लिए खड़ा है। दोस्तों, यह स्थान महाभारत कालीन माना जाता है। पुराने इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान में जहाँ मंदिर बना हुआ है, पहले कभी यहाँ विराट नगर हुआ करता था, क्योंकि यहाँ महाराजा विराट ने माँ गिरजा देवी की उपासना की थी। और इसी स्थान पर कौशिका ऋषि द्वारा भी माता गिरजा देवी की उपासना की गई थी, और इसीलिए इस नदी को पुराणों में कौशिका नदी कहा गया है। दोस्तों, 1930 से पहले इस मंदिर की स्थिति आज जैसी नहीं थी, लेकिन 1935 में रानीखेत के निवासी पंडित रामकृष्ण पांडे जी इस स्थान पर आए और माता गिरजा देवी की पूजा अर्चना करने लगे, और तभी से उनके पुत्र पूर्णचंद्र
पांडे जी ने पुजारी के रूप में माता गिरजा देवी का दायित्व संभाला था। दोस्तों इस मंदिर का पूरी तरीके से निर्माण 1970 में पंडित पूर्णचंद्र पांडे जी द्वारा किया गया था। दोस्तों इस मंदिर में 8वीं सदी की लक्ष्मी नारायण जी की प्राचीन मूर्ति भी स्थापित है। दोस्तों यहाँ के लोगों का ये कहना है कि प्राचीन समय से शेर यहाँ आकर माता के मंदिर की परिक्रमा कर गर्जना किया करते थे और इसीलिए इस मंदिर को गर्जिया माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ के लोगों का आज भी यह कहना है कि एक शेर है जो रात को माता गिरजा देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर में आता है। दोस्तों माता गिरजा देवी मंदिर एक पवित्र शक्ति मंदिर है। दोस्तों यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के महीने में भक्त लाखों की संख्या में आकर माता गिरजा देवी के दर्शन करके जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना माता गिरजा देवी अवश्य पूरी करती हैं। इसलिए दोस्तों माता गिरजा देवी के दर्शन करने के लिए नवंबर या दिसंबर में जरूर आए, क्योंकि इन दो महीनों में माता की कृपा अपने भक्तों पर अपार रहती है। दोस्तों अभी मैंने माता गिरजा देवी के दर्शन कर लिए हैं और अब मैं बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगा पड़ा हूँ। दोस्तों सेम ऐसा है जैसे वैष्णो देवी में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन करने होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर गिरजा माता के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करने होते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है भैरवनाथ जी के प्रसाद के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर मंदिर के बाहर ही गुफा के बाहर ही एक भैया प्रसाद लगाते हैं, काफी लोग हैं जैसे वहाँ पे भी पीछे लगा रहे हैं, यहीं से आप प्रसाद ले सकते हैं। भैया कितने का प्रसाद देते हैं आप ये भैरवनाथ जी पे चढ़ने का? 20 रुपए लेते हैं। दोस्तों भैरवनाथ जी को यहाँ पर प्रसाद में काली दाल चावल और इलायची दाना चढ़ाया जाता है और साथ में एक काली चुनरी भी। दोस्तों आप माता गिरजा देवी के दर्शन करने के बाद एंजॉय करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जा सकते हैं जो कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों मुझे माता गिरजा देवी और बाबा भैरवनाथ के बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त हो गए हैं और दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इस मंदिर की रहस्यमय जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जाके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय माता दी।